नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको बहुत ही जरूरी और वो भी किसके लिए, जो क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम से संबंधित बहुत ही जरूरी न्यूज लेकर आया हूं। ये न्यूज आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, आपको जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर वो न्यूज है क्या और वो किस तरह से आपके जीवन में या आपकी परीक्षा में असर डाल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा है कि क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम कैंसिल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो न्यूज हमको नहीं मिली है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, हमने तो ऐसा नहीं सुना है। लेकिन ये सच है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसका निर्णय हो चुका है, सरकार ने अपने जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिए। लेकिन कौन से एग्जाम कैंसिल हुए, जरा मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य, जिसने अपने स्टेट बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। ध्यान रखिए, मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। स्टेट बोर्ड एग्जाम जो छत्तीसगढ़ के हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने स्टेट बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए। अब आप सोचोगे, सर आपने तो बोर्ड एग्जाम लिखा था, तो सही लिखा ना, ये बोर्ड एग्जाम ही लिखा, वो भी बोर्ड एग्जाम ही है। लेकिन अब मैं आपको बात बताता हूँ सीबीएसई की, कि सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हुए हैं या नहीं हुए। तो अभी तक, यानी आज जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। और फैसला जो आया वो ये आया है कि एग्जाम अपने तय समय पर ही शुरू होंगे। इट मीन्स जो आपको तारीख दी गई है, जो डेट शीट आपको दी गई है, उसी डेट शीट से आपके एग्जाम शुरू होंगे। मतलब जो 4 मई से जो एग्जाम होने उसी से शुरू होंगे। अब आप ये सोचोगे कि यार जब भारत में इतना ज्यादा कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो क्या इस संक्रमण में के दौर में क्या एग्जाम लेना जरूरी है, क्या इसको रद्द नहीं किया जा सकता? तो मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर एग्जाम रद्द हो जाता है तो उससे आपको नुकसान कौन सा है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको 5 नुकसान ऐसे बता रहा हूं जो अगर एग्जाम रद्द हो गए तो आपको ये परेशानी उठानी पड़ेगी, आपको ये नुकसान उठाना पड़ेगा। पहला नुकसान है सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपनी आत्मसम्मान का। क्या आप कभी गर्व से कह पाएंगे कि मैं 10th में या 12th में पास हुआ हूं, या कह पाएंगे कि मैंने इतने परसेंट बनाए? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सभी को मालूम है कि आपको पास कर दिया गया है। ये पहला और बहुत ही बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान बता दो, आप सोचिए ये कौन सी बड़ी बात है। आत्मसम्मान वाली को, जैसे जो नहीं समझते उसके लिए आत्मसम्मान कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो समझते हैं उनके लिए आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है। दूसरा बताता हूं, दूसरा है कि जब नौकरी करने जाएंगे, आप नौकरी के लिए आवेदन देने जाएंगे, उस समय 10th और 12th के मार्क्स ही देखे जाएंगे। और आपकी मार्कशीट में जब 2020-21 लिखा है तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये बच्चा जो है वो कोरोना के समय पास हुआ है। मतलब इसका जो मेंटल लेवल है, या ये कोई जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट हो, सब एक जैसे ही है। तो वहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है। जब सोचिए, आज इतने परसेंटेज बनाने के बाद ही लोगों को नौकरी में इतनी प्रॉब्लम जाती है, तो जब आपका एग्जाम रद्द हो जाएगा, वो मार्कशीट जब आपके पास आएगी, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, आप समझ सकते हैं। ये आपका दूसरा नुकसान होगा अगर एग्जाम रद्द हुए तो। तीसरा और बहुत जरूरी नुकसान बताता हूं आपको, तीसरा नुकसान होगा एडमिशन के टाइम। जब कभी भी आप किसी अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी मार्कशीट देखी जाती है। अगर आप 11th में कहीं एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपकी 10th की मार्कशीट देखी जाती है, और अगर आप कॉलेज में कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो आपकी 12th की मार्कशीट देखी जाती है। तो अगर वो 12th और 10th की मार्कशीट ही समझ सकते हैं आप कैसी आएगी, जब आपको पास कर दिया जाएगा यानी एग्जाम रद्द हो जाएंगे और आपको ऐसे प्रमोट कर दिया जाएगा, तो उस मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं होगी। और फिर किस वैल्यू पे, किस आधार पे आपका एडमिशन होगा, ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या आ जाएगी अगर एग्जाम रद्द हो गए तो। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा नुकसान, उन गरीब बच्चों को या उन मेहनतकश जो स्टूडेंट है उनको होगा, जो अपनी छात्रवृत्ति लेने के लिए, यानी कि जो स्कॉलरशिप मिलती है उनको लेने के लिए, जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं ताकि उनके अच्छे परसेंटेज आ जाए, उस बेस पे उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है जिसकी वजह से वो आगे की अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। क्योंकि जब उनके परसेंटेज ही नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके एग्जाम ही नहीं होंगे, तो उनको छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी, और हो सकता बहुत से होनहार बच्चे इस वजह से अपनी काबिलियत नहीं बता पाए और उनका जीवन बिल्कुल खराब हो जाए। तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि अच्छे बच्चे का जीवन खराब हो?
बिल्कुल नहीं चाहेंगे। पांचवा और सबसे आखिरी और जरूरी बताता हूं, अगर एग्जाम रद्द हो गए तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। अब आप बोलेंगे यार एग्जाम टल जाने से या एग्जाम रद्द हो जाने से बेरोजगारी कैसे बढ़ जाएगी, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस समय पूरे भारत में 50 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब टेंथ और ट्वेल्थ दोनों का एग्जाम देने वाले करीबन 1 करोड़ बच्चे हैं इस साल दे रहे हैं, इस साल जिनको एग्जाम देना है। उसमें से मान लेते हैं 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जो ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हैं। ट्वेल्थ का एग्जाम देने के बाद वो कॉलेज में चले जाएंगे, वो अपने आप को पढ़ा लिखा मानेंगे, और पढ़ा लिखा मानेंगे तो उनको नौकरी चाहिए होगी। और जरूरी नहीं है कि ये स्कूल की बात है, जब एग्जाम कैंसिल होंगे तो आप कॉलेज के एग्जाम भी कैंसिल होंगे, और जब कॉलेज के एग्जाम कैंसिल होंगे डिग्री उनको ऐसे ही मिल जाएंगी तो क्या होगा, बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। तो इसलिए इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तो, और जब एग्जाम कैंसिल होंगे तो केवल बोर्ड के एग्जाम नहीं बल्कि कॉलेज के एग्जाम भी कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम को रद्द नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में एग्जाम को करवाना चाहिए। और इसीलिए CBSE ने बहुत ही तैयारी की है और अपने जो सेंटर्स है उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि इजीली सभी लोगों को अवेलेबल हो सके और उनको डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और वो अपना एग्जाम बिल्कुल बेफिक्र होकर दे सके। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।